कहीं पे तो सुना था, जब हम हमारी छोटी मोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं तो घर में खुशहाली आती है और खुशहाली से बरकत होती है। अब चलिए खुशियों का बहाना ढूंढते हैं। खुशी नंबर वन, अरे पहले टचुड़ तो बोल दूं। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड एक मीटिंग के लिए गए थे, वहाँ से जब वापस आए ये अवार्ड उनके हाथों में था और उसके अलावा ये गिफ्ट भी, जिसमें से निकला ये इलेक्ट्रिक केटल। अब खुशी नंबर टू की बारी। आज है मेरी ननद नंदोई का एनिवर्सरी, तो हमारी टीसा अपनी मम्मी पापा को सरप्राइज देने के लिए ये केक और डेकोरेशन का सामान सब कुछ अपनी पॉकेट मनी से लाई थी। तो मेरी ननद नंदोई की एनिवर्सरी हमने पहली बार हमारे घर में सेलिब्रेट किया। और रीजन नंबर थ्री, हमारे बच्चों के केमिस्ट्री सर ने उन लोगों को कहा था, जब तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब हम घर में बिरयानी पार्टी करेंगे। और बोर्ड एग्जाम को खत्म हुए 4 महीने हो गए हैं, पर बिरयानी पार्टी अभी भी पेंडिंग है। सेलिब्रेशन के लिए बच्चों ने पहले स्प्राइट में ब्लू लगून बनाने की कोशिश की, लेकिन ये तो कुछ हरा भरा लगून बन गया। उसको पीने के बाद थोड़ी देर बैठ के गप्पे शप्पे किए और गप्पे शप्पे में बड़ों ने क्या टॉपिक चुना, करियर करियर एंड करियर। इतने टाइम तक करियर का डिस्कशन होने के बाद दिमाग का दही बन गया और उस दही का हमने कचंबर बना लिया। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, पहले बड़ों के लिए सर्व कर दिया गया टेबल पे, लेकिन बच्चों के सर इतने हम्बल थे तो उन्होंने कहा कि मैं सारे बच्चों के साथ नीचे बैठ के खाऊंगा। लगता है कोटा फैक्ट्री वाले जीतू भैया का फीवर सर पे भी चढ़ा हुआ है। मजाक से हटके ये सेलिब्रेशन तो एकदम जबरदस्त रही। इस सेलिब्रेशन से बरकत आए या ना आए, लेकिन खुशहाली तो आ गई। फाइनली हम सारे लेडीज ने भी अपनी बिरयानी पार्टी को किया एंजॉय। फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए बोल के ओके डन टाटा बाय बाय।